हमें सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर। मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं, एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरन सेक्रेटरी होकर शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरन मिनिस्टर ने ये चीज सुना, फॉरन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसमें ये था फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इमरान खान की मुबैना ऑडियो भी लीक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू टेप का हिस्सा, हमने सिर्फ साइफर पर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, पीटीआई चेयरमैन की हिदायत, मेरे ख्याल में शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं, शाह महमूद से कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं, मैं मिनट्स बदल दूंगा, ये मेरे हाथ में है, अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे, फिर मनपसंद तजजिया भी कर देंगे, ये थ्रेट है, आप सेक्रेटरी खारजा को बुलाएं ताकि मामला सियासी ना रहे और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर आ जाए, आजम खान की मुबैना बातचीत। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप रिलीज कर दी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं या वो 16 अरब के केसेस जो इसने चार आदमी तो मर चुके हैं ना। चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले ही आयो, अब पब्लिक कर दो साइफर। अच्छा हुआ ऑडियो सामने आ गई, अब साइफर भी कौम के सामने लाएं। चाहता हूं मुरास्ता लीक हो जाए ताकि पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई। इमरान खान का रद्द अमल ऑडियो शहबाज शरीफ ने ही लीक कराई, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सोच रहा हूँ इन्हें अदालत ले जाऊँ, पीटीआई चेयरमैन का कन्वेंशन से खिताब। इसने जो है वो अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा। ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है, इसकी फर्जें करवाएं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसका ये मकरूह चेहरा जो है इसकी शनाख्त करनी चाहिए। इमरान खान के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे फूट गई, लीक ऑडियो में अदालती क्लीन का चेहरा बेनकाब हो गया, ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी सियासत कर रहे हैं, असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है, फितना मुल्क को हादसे से दोचार कर सकता है, राणा सनाउल्लाह की तनकीद। 22 करोड़ आवाम का मुल्क एक नाअहल के हाथों गिरवी रहा, इमरान खान ने दाखिली और खारिजा सतह पर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इबरत का निशान न बनाया गया तो तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा, मरियम नवाज का ट्वीट। लोगों से सैलाब ज़दा मुतासरीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने जलसे कर रहा है, सियासत चमका रहा है और अगले इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठे कर रहा है। इमरान खान की सियासत मुसलसल मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाना, मुल्क के नौजवानों को गुमराह करना, पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के इदारों से एतमाद ख़त्म करना, एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक बड़े साइंटिफिक तरीके से इमरान नियाजी पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा कर रहा है। इमरान नियाजी लोगों को गुमराह करने में मसरूफ, मन घड़त कहानियां सुनाकर कौम को तकसीम और इदारों को मुतनाजा बनाया जा रहा है, मुल्क सैलाब की जद में है, ऐसे हालात में सियासत को तरजीह देना मुनासिब नहीं, एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी ने पार्लियामेंट और इदारों को दानिस्ता मुतनाजा बनाया, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को इक्तिसादी लिहाज से ही कमजोर नहीं किया, इंतकामी सियासत से भी नुकसान पहुंचाया। जल्द पीडीएम का इजलास बुलाकर पॉलिसी अमूर अपडेट करेंगे, मौलाना फजल रहमान का ऐलान।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, ऑडियो लीक की इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट पेश, दो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की मामले पर ब्रीफिंग, मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर भी गौर। चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरतेहाल पर गौर, सैलाब की तबाहकारी और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग, शुरका का मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए हर मुमकिन तआवुन का इरादा, पाक फौज किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है, जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। माजी में IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई गईं, पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई का बोझ शबाम पर डालना पड़ा, जिस पर अफसोस है। मिफ्ताह इस्माइल ने मुश्किल वक्त में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इसहाक डार, मईशत को मुश्किलात से निकाल लेंगे, वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। मुमलिकत और वजीर आजम की मुलाकात ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत, ऑडियो लीक से मामले पर भी तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों से भी आगाह किया। इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान इसको उस जगह पे ले गई जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो पहले कामों में से उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशन को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे उसको नहीं देना। इसहाक डार ने खजाने की कुंजी संभाल ली। इमरान खान ने मुल्क का जो हाल किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, खुदा के लिए अब बस कर दें, कौम को आके जाने दें, वजीर खजाना की मीडिया टॉक। खजाने का कलमदान बदलने का असर, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में मजीद 1.79 रुपया सस्ता हो गया, 232.12 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपए गिर गई, 232 रुपए में ट्रेड। मिफ्ताह इस्माइल को वफाकी वजीर बरकरार रखने का फैसला, कलमदान बाद में दिया जाएगा। इरफान कादिर वजीर आजम के मुआवने खुसूसी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी काबीना के अरकान की मजमूई तादाद 74 हो गई, 35 विफाकी बुजरा, 7 बुजराए मुमलिकत, 4 मुशीर और 28 मुआवनीन शामिल। नए आर्मी चीफ की तकरूरी का फैसला वजीर आजम करेंगे, मुआशी बहाली के लिए सख्त फैसले नागुजीर थे। भारत ने सैलाब ज़दगान की मदद की पेशकश की, न हम ऐसा चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद, चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई सम्त में ले जाना चाहते हैं, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। वजीर आला पंजाब से अमरीकी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा तआवुन पर तबादला ख्याल, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। अमरीका पंजाब हुकूमत के तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे के इकदाम को सपोर्ट करेगा। परवेज इलाही का खैर मकदम, चौधरी मुनिस इलाही और हुसैन इलाही भी मुलाकात में मौजूद थे। भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी, F-16 तैयारों के हवाले से एतराजात मुस्तरद, पाकिस्तानी प्रोग्राम दहशतगर्दी से निमटने के लिए है, जो भी फौजी साजो सामान दें इसकी तकनीकी मामनत भी हमारी जिम्मेदारी है। अमरीकी वजीर खारजा का हिंदुस्तानी हमनसब से मुलाकात में जवाब।
کی آمد گزر چکی، اثرات باقی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ہر طرف تباہی کا منظر، اکثر مقامات پر کئی کئی فٹ پانی موجود۔ تعفن کے باعث سانس لینا محال، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھی بھرمار۔ وبائی امراض متاثرین کے لیے نئی آفت بننے لگے۔ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد متاثر، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ امریکہ میں مقیم طاہر جاوید سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش پیش۔ واشنگٹن میں ڈیموکریٹک رہنما کی ارکان کانگریس اور سینیٹر سے ملاقاتیں۔ مصیبت میں پھنسے پاکستانیوں کی امداد کے لیے بل پیش کیا جائے گا۔ مشکل میں گھرے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ طاہر جاوید اور ارکان کانگریس کی ملاقات میں اتفاق۔ ڈینگی کے وار جاری، کراچی میں ایک اور خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ شہر قائد میں ہلاکتوں کی تعداد 33 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 326 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں بھی مزید 392 افراد وائرس کا شکار۔ بجلی بلوں میں ٹیکسز کے خاتمے اور دیگر مطالبات کے حق میں کسانوں کا دھرنا۔ اسلام آباد کنٹینر زون بن گیا۔ نادرا چوک، ڈی چوک، الیکشن کمیشن روڈ بند۔ پی چوک، رباط سے راولپنڈی جانے والے راستے بھی بلاک۔ ایکسپریس وے اور جی ٹی روڈ پر رکاوٹیں، بدترین ٹریفک جیم، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔